बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में जो है BRABU बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से संबंधित न्यूज़ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG का थर्ड मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है पिछले दिन, और यह जो सेशन है 2021-23 के लिए जारी किया गया है, और इस सेशन वाले का अभी जो है एडमिशन भी शुरू हो चुका है। तो अपने सब्जेक्टों के मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में बताएंगे, और जो है कि कब तक आपका एडमिशन होने वाला है, वैसे 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, अंतिम डेट भी बताने वाले हैं, और भी डिटेल्स अगर कुछ चाहिए हो कि जैसे कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या है नहीं है, आप हम एक वीडियो को टाई अप कर देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसको उस पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल्स में देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट का इस पर फॉर्म डाले थे, अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं रहा है तो थर्ड मेरिट लिस्ट में चेक कर ले, हो सकता है कि ज़रूर उसमें नाम आपका हो। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। देखिए, आपको गूगल पे सर्च करना है BRABU, और जो पहला लिंक आएगा उस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है कि आप देख रहे हैं इंटरफेस पूरा जो दिख रहा है इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ लिखा होगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए, अब किसी तरह इंक्वायरी करना हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं ईमेल पे, या इस पे कॉल करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि कॉल तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, ईमेल करेंगे तो इसका जवाब रिप्लाई ज़रूर आ जाएगा। और आपको कैसे चेक करना है, आपको यहाँ जो दिख रहा है क्लिक फॉर मेन्यू, इसमें क्लिक करके आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, और स्टूडेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैंने क्लिक कर दिया है, अब नीचे में आएंगे तो स्टूडेंट सेक्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए, स्टूडेंट कॉर्नर यहाँ पर शो कर रहा है, बस सिंपल सा यहीं पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यही पेज खुल कर आ जाता है। मैंने पहले से ये पेज खोल कर रखा था। देखिए, अब यहाँ पे आप चाहे तो जो आपका जो है रिक्रूटमेंट है, जिस चीज़ के लिए आप इस पे आए हैं, विजिट कर रहे हैं, आप यहाँ से देख पाएंगे। देखिए, यहाँ पे ऊपर में जो है कि साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है PG 2021-23 थर्ड मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ आपको सभी सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट दिख जाएगा। तो चलिए इसी पे क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखिए, नेक्स्ट जो पेज आएगा इसमें सारा जो है कि PG एडमिशन थर्ड मेरिट लिस्ट दिया होगा, जो कि 2021-23 सेशन वालों के लिए है। अब देखिए, यहाँ पे एक बात क्लियर कर दें कि जो एडमिशन डेट है वह 17 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक है, तो बोला जाए तो 5 दिन का आपको समय दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस बार जल्दी से अपना जो है कि मेरिट लिस्ट एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके पास जो एडमिशन का डेट है काफ़ी कम समय है। तो देखिए, यहाँ पे सभी सब्जेक्टों का जो है कि डाला गया है मेरिट लिस्ट, यहाँ अपने सब्जेक्ट पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो है कि होम साइंस पे क्लिक करके बता देता हूँ। देखिए, इस पे क्लिक करके होम साइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक जो है कि नया PDF खुल जाएगा जिसमें वो मेरिट लिस्ट सारा होगा। और बता दें कि इसमें जितने भी कॉलेज आते हैं BRABU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, और जिस कॉलेज में ये सीटें खाली हैं उनके लिए जो है कि यह निकाला गया है। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। पहला जो है कि आपको एडमिशन प्रोसेस विल बी कैरिड आउट एज पर गाइडलाइन, जो गाइडलाइन है BRABU यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन आपका होगा। एडमिशन कमेटी के पास जो है सारा जो अधिकार है रिजर्व है। उसके बाद है, यह जो है काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि सेलेक्ट कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट, देखो जो इस जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनको जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवी बात है कि ये जो एडमिशन चलने वाला है थर्ड मेरिट लिस्ट का, यह 17 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने होम साइंस का जो है कि मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके रखा है, तो देखिए पहले में ही अब ज़्यादातर महिला ही होम साइंस लेती है, तो शुरू ही देख लीजिए कि आप महिला का है अलका कुमारी और MDDM कॉलेज, कटअप मार्क जो है 71.5% गया है। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है जनरल का 71.5% गए हैं। अब मिनिमम बता दें कि मिनिमम कितना गए हैं, तो कुल इसमें जो है 2 पेज है, और इसमें कुल जो है कि कितने लोग का सिलेक्शन हुआ है वो ज़रा बता दें आपको। देखिए, कुल जो है 88 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। लास्ट जो है EBC कैटेगरी की है महिला, अलका कुमारी ही है। ये शुरू में भी अलका है, लास्ट में भी अलका है, और इनका जो है कि 57.12,
57.12 यानी लास्ट गया है। और ये किस कॉलेज में इनका हुआ है, तो वैशाली महिला कॉलेज हाजीपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डाउनलोड करके देख पाएंगे अपने जो भी आपका जो है कि सब्जेक्ट है, आप आराम से देख पाएंगे, ठीक है। बैक कर लिया मैंने, अब चलिए कोई और देखते हैं। चलिए जैसा कि हम लोग देखते हैं इस पर हिस्ट्री देखते हैं, तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे सिंपल सा और हिस्ट्री का एक बार खोल कर देख लेते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो चुका है और ऊपर में सेम जो है कि इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये सेम है जो कि पिछला पीडीएफ में था। अब यहाँ से आप देख पाएंगे आपका एमए एमएससी एमकॉम प्रोविजनल थर्ड मेरिट लिस्ट 2021 हिस्ट्री का है। अब देख पाएंगे कि शुरू में रेखा रंजन प्रसाद जिनका जो है कि एलएस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और यह जनरल कैटेगरी से है, जिनका कट ऑफ मार्क्स जो है 73.33 यानी जनरल वालों का जो है कि इस 73.33 गया है कट ऑफ, ठीक है। अब लास्ट में देखें इनका, तो लास्ट में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है और राजू कुमार है एसटी से हैं और जो लास्ट कटअप गया है वो 56.25 गया है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे अपना नाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर सीरियल नंबर है यानी जितने लोग का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो शुरुआत से अप्लीकेशन नंबर उनका है और उनका नाम है, वो किस कैटेगोरी से आते हैं, किस कैटेगोरी में एडमिशन हुआ है और क्या कट ऑफ मार्क्स रहा है, कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, यही सभी सारे कॉलम में दिया गया है जो कि आप ही के जो है कि इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट जो है पीजी एडमिशन के रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। एक बात बता दें कि एडमिशन के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या फ़ी लगने वाला है, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। इस तरह के तमाम वीडियो को देखने के लिए आज ही चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।